आइए तो सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। आज की पहली बड़ी खबर जो कि अमेरिका से आ रही है, पॉइंट स्टार को चुनाव के दौरान चुपचाप पैसे देने के मामले में ट्रंप पर कोर्ट ने $1,00,000 का जुर्माना लगाया है। मैनहट्टन कोर्ट में जज के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने 34 मामलों में, आपको बता दें, वहां पर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की है। कोर्ट में पेशी से पहले वो लगातार ये कहते रहे कि मेरे ऊपर लगे जो आरोप है वो बेबुनियाद है और मैं इनका सामना करूंगा, और कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका में ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने अपने देश की निडरता से रक्षा करने के लिए एकमात्र अपराध किया है, हमारा देश नरक में जा रहा है। आइए दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर आपको लिए चलते हैं। मेक्सिको से दिल्ली लाया गया कुख्यात गैंगस्टर दीपक बॉक्सर। अमेरिकी एजेंसी FBI की मदद से दीपक बॉक्सर को स्पेशल सेल ने मेक्सिको में गिरफ्तार किया था। देश के टॉप 10 गैंगस्टर में शामिल है दीपक बॉक्सर, और दीपक बॉक्सर पर ₹5,00,000 का इनाम था। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का करीबी यह माना जाता है। दिल्ली के सिविल लाइंस में बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या मामले में बॉक्सर की तलाश जारी थी। जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद से दीपक लगातार फरार चल रहा था। आगे लिए चलते हैं तीसरी बड़ी खबर। संसद में अडानी मामले पर आज भी हंगामे के पूरे पूरे आसार बने हुए हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच के लिए JPC गठित करने को लेकर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। वहीं पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल गांधी पर चर्चा की मांग की है। दूसरी ओर खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक संसद के CPP दफ्तर में सुबह 10:30 होगी। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन होगा। चौथी ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है? कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर आ जाएगी कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। कल कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें तमाम नामों पर मंथन किया गया है। खुद राहुल गांधी उसमें शामिल हुए। बैठक में चुनावी कैंपेन और बाकी बची सीटों को लेकर चर्चा हुई है। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 सीटों के लिए कांग्रेस ने अब तक 124 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। बाकी 2500 सीटों के लिए आज प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना पुलिस ने BJP प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार सिंह को रिहा कर दिया है। बंदी संजय सिंह को पुलिस ने करीम नगर आवास से हिरासत में लिया। पेपर लीक मामले में बंदी संजय सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बंदी संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर BJP कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। छठी ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में आज की गुलाम नबी की आत्मकथा आजाद लॉन्च होगी आज, और कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह आत्मकथा आजाद की लॉन्चिंग करेंगे। किताब में गुलाम नबी अपने 55 साल के राजनीतिक अनुभव का जिक्र उन्होंने किया है। कल गुलाम नबी के अपने राजनीतिक अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने कहा था कि मोदी ने बदले की भावना से काम नहीं किया है, वो हमेशा एक नर्म दिल वाले राजनेता की तरह पेश आए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब सातवीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल से आ रही है ये खबर। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार सख्त है। गृह मंत्रालय ने 3 दिनों के भीतर ममता सरकार से मांगी है रिपोर्ट। MHA ने रामनवमी पर हुए दंगे और खराब कानून व्यवस्था को लेकर बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। बंगाल BJP अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने शाह को चिट्ठी लिखी है, कहा कि हिंदुओं को लगातार बंगाल में निशाना बनाया जा रहा है। अब आठवीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर आपको लिए चलते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कांग्रेस समेत 14 राजनीतिक दलों ने एक पत्र दाखिल किया है, जिस तरीके से ED CBI का एक्शन हो रहा है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ मामले में सुनवाई करेगी, और विपक्षी पार्टियां पिछले काफी समय से केंद्रीय जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते आ रही हैं। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर आपको लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन TRF ने राज्य के RSS नेताओं की जारी की है हिट लिस्ट। लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन ने RSS नेताओं को धमकी दी। आतंकी गुट ने 30 नेताओं की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें नेताओं के नाम, पद और जगह बताई गई है। धमकी में यह कहा गया है कि धर्मों को बदनाम करने का चलन चल रहा है, एजेंडा चलाया जा रहा है। संघ और BJP के लोग हिंदुत्व विचारधारा को प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सिसोदिया की पेशी है। राव जबनी कोर्ट में होगी मनीष सिसोदिया की पेशी। बता दें कि आज खत्म हो रही है सिसोदिया की ED हिरासत, और ED ने सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिलहाल 17 अप्रैल तक CBI हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। तो ये है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी TV स्क्रीन पर।